नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नगर वाराणसी है, इसे बनारस या काशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ये शहर सबसे पवित्र नगरों में माना जाता है। बौद्ध और जैन धर्म में भी बनारस को पवित्र माना जाता है। खास बात यह है कि ये नगर संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। वाराणसी शहर के मुख्य सांस्कृतिक संरक्षक एवं सभी धार्मिक क्रियाकलापों के अभिन्न अंग हैं। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सैकड़ों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। बनारस को लोग मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर आदि विशेषण भी देते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है, और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दो गुना प्राचीन है। काशी में प्राचीन काल से समय समय पर अनेक महान विभूतियों का वास होता रहा है। इनमें महर्षि धन्वंतरी, गौतम बुद्ध, संत कबीर, अघोराचार्य, बाबा कानीराम, रानी लक्ष्मीबाई, पाणिनी, पार्श्वनाथ, पतंजलि, संत रैदास स्वामी, रामानंद आचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, गोस्वामी, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।